हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू रेडियो द्वारका की पैसे की पाठशाला। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इजी तो है बट कंफ्यूजिंग भी है कभी। आप हमेशा सोचते होंगे जब लोग बात करते होंगे कि कितनी वैरायटी ऑफ स्कीम्स हैं, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं, बट क्या हमें एक सिंपल वे से इन सब स्कीम्स के बारे में बताया जा सकता है? जी, आज हम अपने प्रोग्राम में आपको म्यूचुअल फंड की सारी वैरायटीज एंड सारी क्लासिफिकेशंस के बारे में बताएंगे। ये म्यूचुअल फंड की स्कीम्स की क्लासिफिकेशंस आपको इजी रेफरेंस के लिए और आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए बनाई गई है। जब आप कोई भी एक स्कीम सिलेक्ट करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हैं, उसी के बेसिस पे आप अपने म्यूचुअल फंड की स्कीम चुनते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको म्यूचुअल फंड के सारे क्लासिफिकेशंस या वैरायटीज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन होती है इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर के बेसिस पे, विच इज ओपन एंडेड स्कीम्स एंड क्लोज एंडेड स्कीम्स। ओपन एंडेड स्कीम्स में आप कभी भी एंट्री एग्जिट ले सकते हैं एंड क्लोज एंडेड स्कीम में कुछ लिमिटेशंस होते हैं। सेकेंड टाइप की क्लासिफिकेशन आती है बेसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यानी कि जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है उसका पोर्टफोलियो कैसे मैनेज हो रहा है, यानी कि एक्टिवली मैनेज हो रहा है या पैसिव। वो स्कीम्स को कहा जाता है एक्टिव स्कीम्स या फिर पैसिव स्कीम्स। थर्ड क्लासिफिकेशन होती है बेसिस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपकी इनकम की इन्वेस्टमेंट है, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है या लिक्विडिटी का ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द पोर्टफोलियो और द अंडरलाइंग पोर्टफोलियो, यानी कि इक्विटी स्कीम्स है, डेट स्कीम्स है, हाइब्रिड स्कीम्स है, मल्टी कैप स्कीम्स है या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है। पांचवी कैटेगरी वो होती है जो आपके किसी सेक्टर बेस्ड या सॉल्यूशन बेस्ड या थीम पे बेस्ड फंड्स होते हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है उसे कहते हैं हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी ईटीएफ स्कीम्स। सेवंथ कैटेगरी ऑफ फंड्स वो वाले टाइप के फंड्स होते हैं जिन्हें हम ओवरसीज फंड कहते हैं। ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स हमारे इंडिया या डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, ये इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। लास्ट एंड द फाइनल कैटेगरी ऑफ फंड्स जिसे हम कहते हैं फंड ऑफ फंड, यानी कि FOF, वो फंड्स होते हैं जो किसी और फंड के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हो गई सारी 8 कैटेगरीज या वैरायटीज ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो आप सुनते हैं, देखते हैं एंड शायद इन्वेस्ट भी करते हैं। आई एम श्योर आपको इसमें बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी, आपके जो इंटरलिंकिंग कन्फ्यूजन्स हैं वो भी क्लियर हुए होंगे, और इन सब कैटेगरी के बारे में हम आपको और इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज देंगे। तो आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपनी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन बढ़ाएं। हमारे सारे प्रोग्राम्स रेडियो द्वारका की आपकी अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए ही हैं, सो प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब टू रेडियो द्वारका। थैंक यू।